स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर ऑपरेटर इन सी, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वन एंड डिक्रीजिंग वन इन ए वेरिएबल. कि आप जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप वन ऐड कर रहे हो या फिर उसमें आप क्या कर रहे हो, वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. उसके लिए आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हो. बेसिकली आपके पास में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हो वो आपके क्या होते हैं, आप क्या यूज साइन यूज करते हो, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. आपके पास में क्या होता है कि टू टाइप के जो आपके पास में ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इनको आप क्या बोल सकते हो, यूनरी ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि आप जो इस अप्लाई करते हो वो बेसिकली आपका जो क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, एक यूनरी ऑपरेंड होता है जो आप जिनके ऊपर आप अप्लाई करते हो. एक सिंगल वेरिएबल होता है जिनके आप ऊपर आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो. तो आपके पास में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो आपके टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन प्री इंक्रीमेंट, जिनको आप क्या बोल सकते हो, प्री एंड पोस्ट. तो जो प्री और पोस्ट आप यूज करते हो, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट. ओके, तो बेसिकली आप यूज कैसे करते हो, तो प्री इंक्रीमेंट आप कैसे यूज करते हो, प्लस प्लस कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, सपोज एम. आप क्या यूज कर रहे हो, पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट आप कैसे यूज करोगे, एम प्लस प्लस. प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस एम, और आप क्या यूज कर रहे हो, पोस्ट डिक्रीमेंट, उसमें आप क्या कर दो, एम माइनस माइनस. ये आप क्या यूज करते हो, बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अब इनका मीनिंग क्या होता है, जो आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हो तो प्री का मतलब होता है फर्स्ट आप क्या करो, इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट. कि जो आप जिस वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको बेसिकली आप क्या कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट. पोस्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट. डिक्रीमेंट भी सेम है, फर्स्ट आप जो प्री डिक्रीमेंट होता है आपका वो क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन असाइनमेंट. फिर आप क्या कर रहे हो, जो पोस्ट डिक्रीमेंट है उसमें फर्स्ट असाइनमेंट देन डिक्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, स्टेटमेंट कि m इज इक्वल टू 8. आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप यूज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ m एंड वैल्यू ऑफ x. तो आपने क्या किया, x में आप वैल्यू डाल रहे हो प्लस प्लस m, यानी कि ये आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट. फिर आप दूसरी स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो m प्लस प्लस, ये आपका क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट. तो जो वैल्यू ऑफ m है वो आपकी क्या होगी, और वैल्यू ऑफ x, अगर आपकी वैल्यू ऑफ m क्या है, 8, तो स्टेटमेंट में आपकी यहाँ क्या आएगी, 8. वैल्यू ऑफ x, अभी आपने कुछ वैल्यू ऑफ x में आपने असाइन किया नहीं है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी x इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट m. तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब आपको अभी बताया था, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट. तो इंक्रीमेंट करोगे, 8 का इंक्रीमेंट किया आपने, तो वैल्यू ऑफ जो m है वो क्या हो गई आपकी, 9. क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट. अब असाइनमेंट आप वैल्यू किस में कर रहे हो, x में, तो x में भी वैल्यू क्या होगी, 9. तो m की वैल्यू आप बाद में क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट, तो वैल्यू ऑफ x की भी क्या होगी आपकी, 9. बट आप पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो, अगर इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो वैल्यू ऑफ m, यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट. तो जो आप फर्स्ट असाइनमेंट किस में कर रहे हो, आप ये वैल्यू x में, तो असाइनमेंट करोगे तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी आपकी, 9, बट देन इंक्रीमेंट, तो अब वैल्यू ऑफ m क्या होगी आपकी, 10. ये आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर ऑपरेटर, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर. ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग बिट्स
और शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट कि आप बेसिकली इसमें टेस्ट क्या करते हो, बिट्स को टेस्ट करते हो। बिट्स आपकी क्या हो गई, 0 एंड 1, इनके ऊपर आप वर्क करते हो बेसिकली। और जो आप बिट वाइज ऑपरेटर आप अप्लाई करते हो वो आप क्या करते हो, फ्लोटिंग और जो आपका डबल है उनके ऊपर आप यूज नहीं करते। और बेसिकली आपके जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर जो आप ये सिंबल आप यूज करते हो इसका जो मीनिंग है किसके लिए करते हो आप, कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, यूनरी ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट भी आपका एक यूनरी ऑपरेंड के ऊपर या एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर आप यूज करते हो, तो कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। जो आप नेक्स्ट बिट वाइज ऑपरेटर है वो क्या है, एंड, इसको आप क्या बोलते हो, बिट वाइज एंड। फिर आप एक पाइपलाइन, सिंगल पाइपलाइन यूज करते हो जिसको आप क्या बोलते हो, बिट वाइज और। नेक्स्ट बिट वाइज ऑपरेटर इज एक्सोर, इसको आप क्या बोलते हो, बिट वाइज एक्सोर। ये आपका क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट राइट। ओके, तो आपने अभी देखा कि जो बिट वाइज ऑपरेटर है बेसिकली आप किस पे यूज करते हो, वो बाइनरी बिट्स पे, बाइनरी फॉर्मेट पे, 0 एंड 1 पे। तो आप बेसिकली अगर उसकी ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या होगा कि आपके पास में क्या होंगे, 2 वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो, तो आप 0 0 1 1 0 1 0 1 आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि अगर आपके पास में 0 है उसको क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1 में। अगर आपके पास क्या है, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 0 में। तो 0 किस में कन्वर्ट हो गया आपका, 1 1 0 0, ए और बी, बिट वाइज और। अब इसमें आपका क्या है कि आपके पास में क्या होना चाहिए कि 1 स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू। कि आपके पास में अगर आइदर 1 स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका रिजल्ट में क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज क्या होगा आपका, फॉल्स। तो आपके पास ए और बी में क्या है, दोनों फॉल्स, फॉल्स है तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, 1 स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, बोथ 1 स्टेटमेंट ट्रू ट्रू। अब आपकी बात करते हैं ए एंड बी, ए एंड बी में क्या होता है आपका कि आपके पास में क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। कि आपके पास बोथ स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो ये दोनों क्या आपके, फॉल्स, तो रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स। इनमें एक ट्रू है एक फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स, बोथ आर ट्रू, रिजल्ट ट्रू। आपके पास में नेक्स्ट वन इज ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी में क्या है कि अगर आपकी बोथ स्टेटमेंट ट्रू, रिजल्ट इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स, रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स। इसमें क्या होता है, आई आपके होनी चाहिए 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज फॉल्स। ये आपका क्या हो गया, बिट वाइज। अब आपको क्या करना है कि आपके एग्जांपल के आप सारे इसके ऊपर आप ऑपरेट करोगे तो कैसे करते हो। फॉर एग्जांपल कि आपके पास में क्या है, इंट एक्स इज इक्वल टू 73, वाई इज इक्वल टू 14। तो 73 को जब आप इसके बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे तो 73 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0 0 1 0 0 1, और ये आपका 73 का है। 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, 0 0 0 0 1 1 1 0। ओके, ये आपका क्या होगा, 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहें कि x का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, तो x का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा आपका, जो वैल्यू जहाँ पे आपके क्या है 0, वहाँ पे क्या होगा आपका 1, जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या होगा 0। तो जब इसका x की वैल्यू ये है, इक्विवेलेंट बाइनरी ये है, क्योंकि बिटवाइज जो ऑपरेटर है वो बेसिकली 0 और 1 बिट्स पे वर्क करते हैं, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट का हम क्या निकालेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट। तो 0 पे क्या आ जाएगा 1, 1 पे क्या हो जाएगा 0, 0 पे फिर से क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1 0।
जब ये आपका फाइंड आउट होगा तो ये अगर हम डेसिमल वैल्यू में देखें ये किसका रिजल्ट होता है 182। ओके अब हम बात करें नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास में एंड और, तो अगर हम फाइंड आउट करें एक्स एंड वाई, तो जो x एंड y की हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा क्या है 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0। एंड में क्या बताया था आपको कि एंड में क्या होता है आपका, अगर आपके पास में दोनों ट्रू हो तो आपका क्या होगा ट्रू, अदरवाइज आपका क्या होगा फॉल्स। तो यहाँ पे आपके क्या है 1 ट्रू 1 फॉल्स, बोथ आर ट्रू, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, और ये बाइनरी इक्विवेलेंट किसका होता है 8। अगर ये था एंड का, अगर आप फाइंड आउट करो एक्स और वाई, तो इन दोनों में हम अगर एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे तो और का क्या था हमारा 1 ट्रू होना चाहिए। यह वैल्यू क्या होगी आपकी 1 1 1 1 0 0 1 0। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है आपका 79। जो बाइनरी इक्विवेलेंट के इक्वल जो डेसिमल वैल्यू है वो 79। अगर हम फाइंड आउट करें एक्स एक्स और वाई, तो हमारे पास में जो इन दोनों का हम जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है उसका एक्स और फाइंड आउट करें तो एक्स और में क्या होगा हमारा, एक्स और में क्या होता है कि हमारे पास में दोनों अगर ट्रू हैं तो भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट तो भी फॉल्स होगा, अगर वन ट्रू है और वन फॉल है तो फिर क्या होगा ट्रू। तो यहाँ पे एक्स और में क्या आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, ये क्या होगा फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो भी हमारा क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके तो ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट किसके डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा इसका 71। अब आता है बिट वाइज शिफ्ट का, शिफ्ट का क्या होता है शिफ्ट लेफ्ट, एक्स हम क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं 3, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट से तो हम क्या करें 3 एक्स को हम लेफ्ट में 3 तो शिफ्ट करें 3 पॉइंट पे, बट उसके राइट में हम वो 30 क्या कर दें ऐड कर दें, तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्स की वैल्यू यही थी हमारी तो 0 1 0 0 1, और जो हमारे लास्ट में 3 हमने शिफ्ट किया लेफ्ट उनकी बजाय हम राइट में फिर हम क्या लिख देंगे 0। तो हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हमने क्या कर दिया इसको लेफ्ट 3 शिफ्ट किया और 0 0 0। अब क्या कर रहे हैं वाई राइट शिफ्ट 1, तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि हम 1 क्या करें राइट शिफ्ट कर दें, तो जो हमारे पास में 1 राइट शिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद जो हमारी वैल्यू है उसमें क्या आएगा कि 0 0 0 0 0 1 1 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमने राइट से 1 शिफ्ट किया और उसकी बजाय हमने लेफ्ट में क्या कर दिया उस एक 0 को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट में हमने 0 को ऐड किया तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, अब ये जो इक्विवेलेंट किसके आ गया हमारा 7, और जो ये है हमारा इक्विवेलेंट किसके है 72। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।